हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में, ठीक है ना, कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं आपके, और ये हमारे लिए फ्रेंड्स और फोए यानी कि मित्र व शत्रु दोनों का ही काम करते हैं। कौन? माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। ठीक है, जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में। ओके, जैसा कि मैं बहुत सारी वीडियोज़ प्लांट्स लाइफ और ह्यूमन लाइफ या ह्यूमन बॉडी के ऊपर बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं उसमें मैंने आपको कंप्लीट डिटेल में हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके क्लास 6 और साइंस साइंस नोट्स में जाके आप उनको देख सकते हो। ओके, इस वीडियो में हम क्लास 8th जो कि चैप्टर 2 है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स फ्रेंड एंड फोए के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म होता क्या है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसा कि हमने प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में पढ़े, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया। तो जो हमारे मतलब जो हम देख सकते हैं अपने आसपास में, प्लांट्स को आप देख सकते हो, एनिमल्स को देख सकते हो, ठीक है, तो जनरली हम उनको अपनी आँखों से यानी नेक्ड आई से देख लेते हैं। तो वो भी हमारे लिए क्या है? वो लिविंग बींग्स ही हैं। ओके, बट ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स क्या हैं हमारे लिए? ये भी लिविंग बींग्स हैं, बट ये हमें नहीं दिखते हैं। ठीक है, मतलब हम इनको जनरली नहीं देख सकते हैं नेक्ड आई से। तो इन्हीं ऑर्गेनिज़म्स को यानी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को हम क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। माइक्रो का मतलब होता है बहुत ही छोटी चीज़, माइक्रो का मतलब होता है 10^-6। ठीक है, अब आपने माइक्रोस्कोप का नाम सुना होगा, ठीक है, इट मीन्स वो माइक्रोमीटर वाली चीज़ को मेज़र कर लेता है। ठीक है, जनरली जो हम खुली आँख से नहीं देख पाते हैं तो वो माइक्रोस्कोप से हमें इजिली दिख जाता है, तो वही है ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। ओके, माइक्रो मीन्स 10^-6 यूनिट होती है ये माइक्रोमीटर, जैसे माइक्रोस्कोप मेज़र कर लेता है इन छोटी छोटी चीज़ों को जो हम जनरली नहीं देख पाते हैं। तो वही सारी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स या लिविंग बींग्स क्या होती है? माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कहलाती है। ठीक है, तो आई होप आपको माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में पता चल गया हो। अब माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को यानी कि सूक्ष्म जीव को हमने मेजर 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ठीक है ना। इट इज़ क्लासिफाइड इंटू 4 मेजर ग्रुप्स। वो कौन कौन से हैं ग्रुप? सबसे पहला हमने क्या किस में किया? बैक्टीरिया। ओके, बैक्टीरिया को हम हिंदी में बोलते हैं जीवाणु। ठीक है, अब बैक्टीरिया आपके स्पाइरल बैक्टीरिया भी हो सकते हैं या फिर रोड शेप बैक्टीरिया। ठीक है, तो जैसा कि आप ये फिगर देख रहे हो तो ये आपके स्पाइरल बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि ये ऐसे स्पाइरल होता है ना आपका घुमावदार, तो कुछ इस तरीके से बोलते हैं हम इसको स्पाइरल बैक्टीरिया। और ये है आपके रोड शेप्ड बैक्टीरिया, मतलब कि सिलिंड्रिकल टाइप में होते हैं, ठीक है ना, रोड शेप्ड में बने होते हैं इस तरीके के, तो इनको हम कहते हैं रोड शेप्ड बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का दूसरा जो आपका कैटेगरी है वो है फंजाई का। ठीक है, उसको हम बोलते हैं फंगस भी बोलते हैं, फंजाई, और हिंदी में उसको बोलते हैं कवक। ओके, अब ये कवक के क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? जैसे कि आपका ब्रेड मोल्ड है, ठीक है, ब्रेड मोल्ड को हम हिंदी में राइजोपस भी बोल सकते हैं, राइजोपस, ठीक है, या फिर पेनिसिलियम या फिर एस्परजिलस। तो ये एग्जाम्पल्स हैं आपके किसके? फंजाई के। ये आपके डायरेक्टली एग्ज़ाम्स के अंदर पूछ लिए जाते हैं कि फंजाई के कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, या फिर आपको उनके नाम पता होना चाहिए, तो क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि इसमें से कौन सा फंजाई नहीं है, या फिर ऐसे पूछ लेगा इनमें से कौन सा फंजाई है, तो उसमें अलग अलग चीज़ें दे दी जाती हैं आपको। तो आपका कम से कम फंजाई का नाम पता होना चाहिए कि कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं फंगस के। तो जैसे आप ये फिगर में देख रहे हो, ये आपका एस्परजिलस हो गया, ये आपका पेनिसिलियम हो गया, और ये आपका एगेरिकस हो गया। ठीक है, एक ब्रेड मोल्ड भी होता है तो आपको वो पता होगा, और मैं प्रीवियस वीडियो में भी वो डिस्कस कर चुका हूँ, प्लांट में आप जाके देख सकते हैं, प्लांट लाइफ में या फिर न्यूट्रिशन इन प्लांट में भी मैं आपको दिखा चुका हूँ वो किसके बारे में, ब्रेड मोल्ड के बारे में, और इजिली बताया भी है कि किस तरीके का वो न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो थर्ड टाइप है वो है आपका प्रोटोजोआ। ओके, अब प्रोटोजोआ के एग्जांपल हो सकते हैं आपके क्या? अमीबा, पैरामीशियम और युगलीना। तो आप ये सिंपल फिगर में देख रहे होगे, ये आपका है युगलीना हो गया, और ये आपका पैरामीशियम है जो कि चप्पल की साइज, जो कि हमारे पैर के जैसे ही सेब का होता है, ठीक है ना, चप्पल के सेब का होता है पैरामीशियम, और ये आपका युगलीना हो गया। और अमीबा को आपको, अमीबा तो पता ही होगा आपको, इसकी क्या कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। तो ये किसके एग्जांपल? ये हमारे प्रोटोजोआ के हैं, और ये सारे आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, मतलब कि एक सिंगल सेल से बने होते हैं। ओके, आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो आपका मेजर कैटेगरी में है 4th नंबर पे, वो हमारे क्या है? एल्गी, यानी कि शैवाल। इसको हिंदी में कहा जाता है, एल्गी को हिंदी में शैवाल कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं
क्लेमाइडोमोनास और दूसरा हो सकता है स्पायरोगैरा। ठीक है, तो आप ये फिगर में देख सकते हो, ये आपका क्लेमाइडोमोनास है और आपका ये स्पायरोगैरा है। ओके, एक आपका और कैटेगरी होता है जो कि वो होता है वायरस। ठीक है, ओके, तो वायरस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक, ये भी आपके क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक ही होते हैं, और हिंदी में इसको बोलते हैं विषाणु। ठीक है, तो ये तो आ गया आपके मेजर फोर कैटेगरीज। ओके, उसके अंदर वायरस इंक्लूड है आपका, वो भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ही आता है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, सम ह्यूमन डिजीज़। ठीक है, अभी आपको ह्यूमन डिजीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि इन बैक्टीरिया, वायरस या फिर अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जैसा कि हमने चैप्टर में ही बता दिया था मैंने कि हम पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स एंड फो के बारे में, तो कुछ हमारे लिए अच्छे भी होते हैं और कुछ हमारे लिए बुरे भी होते हैं। तो कुछ ह्यूमन डिजीज़ आपको पता होना चाहिए कि और वो किन की वजह से होता है। सपोज जैसे कि ये आपका कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया जिसे हम फ्लू जनरली बोलते हैं, ठीक है, और कफ हो गया, पोलियो हो गया, या फिर चिकन पॉक्स, मिजल्स और हेपेटाइटस। तो ये जितनी आपकी डिजीज़ हैं, ठीक है, ये किसकी वजह से होती है, आपकी वायरस डिजीज़ से। ठीक है, किसकी वजह से होती है, वायरस डिजीज़ की वजह से। नेक्स्ट देखते हैं, टाइफॉइड हो गया, टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, या फिर कॉलेरा, ये किसकी वजह से होते हैं, हमारी ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, ये हमारी किसकी वजह से होंगी, बैक्टीरिया की वजह से ये तीन डिजीज़ होंगी आपकी। ओके, मेनली मेनली। नेक्स्ट है आपका डायसेंट्री और मलेरिया। तो डायसेंट्री और मलेरिया किससे होती है, आपकी प्रोटोजोआ, ये आपकी प्रोटोजोआ डिजीज़ है। ठीक है, जैसा कि हमने एग्जांपल्स में बता दिया कि प्रोटोजोआ कौन कौन से हो सकते हैं, तो आपको बिल्कुल एकदम याद होने चाहिए। और साथ में ये डिजीज़ वायरस से कौन से होते हैं, आपके नाम पता होना चाहिए। ठीक है, वायरल डिजीज़ कौन सा हो गया, बैक्टीरियल डिजीज़ कौन से होते हैं, एंड प्रोटोजोआ डिजीज़ कौन से होते हैं।